पोस्टर फाड़ने को लेकर काफी विवाद हुआ और आपको जानकारी होनी चाहिए कि पोस्टर फाड़ने से लेकर लगभग 3-4 एफआईआर हुए, बस एक छोटी सी घटना। अरे इतना ही हिम्मत है तो मैं स्पष्ट खुली चुनौती डुमरी प्रशासन को, जितने भी पदाधिकारी है मधुबन थाना क्षेत्र में भी, जाइए ना मधुबन, लकड़ी की देनदहाड़ी कटाई हो रही है, पारासनाथ दिनों दिन घसक रहा है, अगर रोका दे दम है तो चुनौती है। कानून का डंडा केवल गरीबों पर चलता है, पंकज कुमार उदाहरण है। कितना कोयला पकड़ते हैं, कितना अपने सरकारी नौकरी का आपको हैसियत है और कितना आपके सितारों पर दम है और कितनी आपके सितारों में गर्दी से, जाइए मधुबन। किस प्रकार संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए किस प्रकार अंधा हो सकता है। हालांकि हम इसमें राजा साहब को कटघरे में नहीं रखेंगे कि हो सके राजा साहब के लिए मामूली बात है, उन्होंने जो दुर्व्यवहार किया है और जो मतलब किंग जोंग का परिचय दिया है। पोस्टर बॉय के फाड़ने के लिए इन्हें सबसे पहले गलत तरीके से गिरफ्तार किया जाता है और दबाव बनाया जाता है कि तुम सिर्फ इतना स्वीकार कर लो कि तुम्हारा संबंध जयराम मातो से, मोतीलाल मातो से या जेबी कैसर से, तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन जो कि स्टूडेंट पढ़ने वाले झूठ का सहारा क्यों लेंगे। तो सबसे पहला प्रशासन ने किस प्रकार तानाशाही का परिचय दिया, एक साधारण छात्र को हम लोगों के साथ नाम इंक्लूड किया। अरे ठीक है, डराना धमकाना एक अलग विषय होता है, लेकिन इस प्रकार कमर में रस्सियां बांधी गई, इस प्रकार इन्हें प्रचारित किया गया, इस प्रकार हाथों में हथकड़ियां बांधी गई, जैसे इनका संबंध ओसामा बिन लादेन से हो। इनका संबंध जयराम मातो से नहीं, जेबी किसी से नहीं, इनका संबंध जैसे ओसामा बिन लादेन से हो। जोहार झारखंड, जय झारखंड। 19 तारीख जो बीता पार हुआ, डुमरी जहां माननीय राजा साहब की जनसभा थी बगल में और जेबी केसेस की भी थी, काफी चर्चित रही, पूरे राज्य में चर्चा का विषय रहा, क्योंकि एक और राजा साहब द्वारा करोड़ों का पंडाल, एसी, भीड़ भाड़े की बुलाई गई और एक तरफ हमारा खुला आसमान, बारिश की बूंदे, सर पे छतरी, तो चर्चा का विषय था। क्योंकि राजा साहब भी आए थे, सबसे पहले राजा साहब का वीडियो के माध्यम से शुभकामनाएं कि आप झारखंड के लोकतांत्रिक राजा के पद पर पदस्थापित हैं, आपको इस राज्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजा साहब की गद्दी मिली है, उसका निर्वहन करें। तो सबसे पहले एक चर्चित विषय यह भी था, पोस्टर फाड़ने को लेकर काफी विवाद हुआ था और आपको जानकारी होनी चाहिए कि पोस्टर फाड़ने से लेकर लगभग 3-4 एफआईआर हुए, बस एक छोटी सी घटना कि राज्य के मुखिया की जनसभा थी, उसके लगभग 7-8 किलोमीटर के दूरी में दूसरा थाना क्षेत्र, जबकि थाना क्षेत्र भी दूसरा था सर, मधुबन। राजा साहब की जनसभा थी डुमरी थाना क्षेत्र में और हम लोगों की जनसभा थी आपका मधुबन थाना क्षेत्र में, यानी एक डिस्टेंस भी था। लेकिन कोई किस प्रकार संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए किस प्रकार अंधा हो सकता है। हालांकि हम इसमें राजा साहब को कटघरे में नहीं रखेंगे कि हो सके राजा साहब के लिए मामूली बात है, लेकिन डुमरी प्रशासन और डुमरी में जो उनकी इकाई है राजा साहब की, या फिर डुमरी में जो उनका संगठन है जिनके माध्यम से डुमरी की देखरेख होती है, उन्होंने जो दुर्व्यवहार किया है और जो मतलब किंग जोंग का परिचय दिया है, कोरिया के किम जोंग के नाम से आप परिचित होंगे, किस प्रकार तानाशाही दिखाते हैं, वही दर्शन देखने को मिला है डुमरी थाना क्षेत्र, मधुबन थाना क्षेत्र में। ये बात है 19 तारीख की जब माननीय राजा साहब की जनसभा थी और उसके ठीक कुछ दूरी में, कुछ किलोमीटर दूरी में हम लोग जेबी केसेस की भी थी, केस किया गया। सबसे पहले तो पोस्टर बॉय के नाम से पंकज बाबू हैं, इस चेहरे से अब तो आप अपरिचित नहीं है, इसलिए अपरिचित नहीं है क्योंकि लगभग झारखंड लाइव और तमाम चैनल में चलने वाला लगभग मिलियन लोगों ने देखा इस चेहरे को, कि एक मामूली सा पढ़ने वाला छात्र, बस इसका कसूर था कि ये उस सड़क पर मिला जहां राजा साहब का सुबह काफिला जाने वाला था। पोस्टर बॉय के फाड़ने के लिए इन्हें सबसे पहले गलत तरीके से गिरफ्तार किया जाता है और दबाव बनाया जाता है कि तुम सिर्फ इतना स्वीकार कर लो कि तुम्हारा संबंध जयराम मातो से, मोतीलाल मातो से या जेबी कैसर से, तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन जो कि स्टूडेंट पढ़ने वाले झूठ का सहारा क्यों लेंगे, इन्होंने भी वही क्या कि, और जी हाँ मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, जाहिर सी बात है जब से आंदोलन हो रहा पूरे झारखंड के लोग हमें जानते हैं, लेकिन आज पंकज बाबू भी सामने हैं, इनके पास हमारा कोई टेलीफोन नंबर भी नहीं होगा ना हमारे पास इनका टेलीफोन नंबर होगा। बाकायदा हमारा दो पब्लिकली नंबर है 6299-8635-39, 8292-04-2495। आप चाहें तो जब से हम सिम लिए हैं और इनका जब तक इन्होंने भी सिम लिया है आप मैच कर लें, मुझे नहीं लगता कि आज तक कभी आपसे टेलीफोन में बात हुई है। ये पंकज बाबू सामने हैं, आज तक इनसे हमारी कभी टेलीफोनिक बात नहीं हुई है। हम अपना दोनों नंबर, जो भी जो आपका इंक्वायरी जहां से होती है, जहां से नंबर का जांच पड़ताल होता है किस नंबर से बात हुई है, मैं प्रशासन को देना चाहूंगा, मैं अपना दोनों नंबर देना चाहूंगा, उस दोनों नंबर का आप जांच सकते हैं कि पंकज बाबू से हमारी कभी क्या बात हुई है। तो सबसे पहला प्रशासन ने किस प्रकार तानाशाही का परिचय दिया, एक साधारण छात्र को हम लोगों के साथ नाम इंक्लूड किया। अरे ठीक है, डराना धमकाना एक अलग विषय होता है, लेकिन इस प्रकार कमर में रस्सियां बांधी गई, इस प्रकार इन्हें प्रचारित किया गया, इस प्रकार हाथों में हथकड़ियां बांधी गई, जैसे इनका संबंध ओसामा बिन लादेन से हो। इनका संबंध जयराम मातो से नहीं, जेबी किसी से नहीं, इनका संबंध जैसे ओसामा बिन लादेन से हो, इनका संबंध जैसे
माने सद्दाम हुसैन से हो और अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम से हो। इस प्रकार इनको जंजीरों में लपेटा जाता है और इस प्रकार अरे इतना ही हिम्मत है तो मैं स्पष्ट खुली चुनौती डुमरी प्रशासन को, जितने भी पदाधिकारी हैं मधुबन थाना क्षेत्र में भी, जाइए ना मधुबन, लकड़ी की दिन दहाड़ी कटाई हो रही है, पारासनाथ दिनों दिन घसक रहा है, अगर ओका दे दम है तो चुनौती है। मेरा वीडियो चूंकि सब देखते हैं, IAS IPS देखते हैं, चुनौती है डुमरी थाना प्रभारी और मधुबन थाना प्रभारी, इतना ही औकात है, इतना ही सिंघम बनने का शौक है तो आपके रोड में बोलिए बकायदा दिखा देंगे कितना कोयला पार होता है, हैसियत है, कानून का डंडा केवल गरीबों पर चलता है, पंकज कुमार उदाहरण है, डुमरी थाना पर जो भी हैसियत है औकात है दिखाइए कितना कोयला पकड़ते हैं, कितना अपने सरकारी नौकरी का आपको हैसियत है और कितना आपके सितारों पर दम है और कितनी आपके सितारों में गर्दिश है, जाइए मधुबन, वहाँ गुजरात के बड़े बड़े सेठ गरीबों का जबरन जमीन ले रहे हैं, हैसियत है आपकी, कुछ नहीं है, ये कानून का डंटा गरीबों पर चलता है, पंकज सामने है, मैं बकायदा नाम लेके बोलता हूँ, डुमरी पुलिस प्रशासन और मधुबन पुलिस प्रशासन नाम लेके बोलता हूँ, जाइए दिन रात मधुबन में चोरी हो रही है, पहाड़ कट रहे हैं, चोरी का मतलब प्राकृतिक संपदा से, जाइए पेड़ों की कटाई हो रही, पत्थर की चुराई हो रही है, कोयला का जब ढुलाई हो रहा है, दम है पकड़ के दिखाइए, लेकिन चूंकि इनको मतलब क्या है, जेबी केसेस, यानी इनको लगा कि इनमें इसमें इस संगठन में लादेन रहता हो, कमर बांध कर ले जाया जाता है। चलिए पंकज बाबू को विराम देते हैं, अब फिर और एक एफआईआर होता है, इनका तसल्ली नहीं भरा है क्योंकि इनको तो लगता है ये मरेंगे नहीं, ये अमर होके आए हैं, अरे सब मरोगे यार, गरीब का हाल लेगा तो पेट फूल के मरेगा, चाहे सब टीबी होके मरेगा, चाहे डायबिटीज होके मरेगा, जीना जीने के लिए कोई नहीं आया, लेकिन बेमानी मत करो, पद का दुरुपयोग मत करो पुलिस प्रशासन। अब देखिए बगल में है श्यामलाल महतो और आपके खगेंद्र महतो, चलिए ये लोग अगर डुमरी क्षेत्र के भी होते हैं तो इन पर एफआईआर चलिए चलता, ये दोनों ऊपर घाट का है, नावाड़ी क्षेत्र में भी ऊपर में है ऊपर घाट, यानी कोई लॉजिक ही नहीं है कि इनका उस दिन, मुझे लगता है इनका बकायदा ये लोग भी अपना टेलीफोन नंबर जारी कर दे और प्रशासन ट्रेस ही करे कि क्या ये जो कसमाकुरा का मैदान उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में ये लोग होंगे, ये ऊपर घाट है, जाहिर सी बात है, कहाँ थे खगेंद्र बाबू आप? नारायणपुर में थे, जिस रात्रि को ये चर्चा परिचर्चा पूरे राज्य में था राजा साहब की सभा को लेकर, ये भी ऊपर घाट के निवासी हैं, लेकिन किस प्रकार फर्जी केस होता है, इनका नाम इंक्लूड किया जाता है, और हद तो तब आ जाती है जब लोग विदेश में होते हैं, जो लोग विदेश में रहते हैं उन विदेशी लोगों का नाम भी मैंने एफआईआर में होता है, तो खैर ये जो मोतीलाल साहब जब बाकायदा इस चीज का बयान देते हैं कि बहुत सारे लोग विदेशों में है, तब काना अंधा कानून जिसको बोलते हैं कहा ही जाता है, तब उनका आंख खुलता है और वे क्या करते हैं, जो लोग विदेश में उनका नाम को फिर वापस कटवाया जाता है। देखिए पुलिस प्रशासन का आज इमेज अगर डाउन हो रहा है तो इसीलिए, हर कोई चाहता है, एक नौजवान जो पढ़ता है ना, अगर हम लोग कभी व्यक्तिगत बात कही जाए, अगर कोई जो 8वां 9वां 10वां में उस बच्चे का आज भी इंटरव्यू लीजिए, वो पहला लाइन यही कहेगा हम पुलिस में जाएंगे, हम फौजी में जाएंगे, क्योंकि बचपन से मूवी देखता है और उसके लिए पहला स्कोप यही दिखता है कि वर्दी, लेकिन आप वर्दी के नाम पर इतना घटिया मजाक करेंगे ये उम्मीद नहीं थी। अरे लॉजिकली केस करते हैं, लॉजिकली केस करते हैं, एक किसी को सुनने के बाद कोई जब राज्यवासी सुनते हैं केस को तो न्याय संगत लगता है कि हाँ ये केस हो सकता है, इतना घटिया मानसिकता के साथ केस किया जा रहा है जिसकी कोई मतलब मैंने कोई कह नहीं सकता है, कितना मैंने घटिया मानसिकता के साथ आज डुमरी प्रशासन और मधुबन थाना प्रशासन की टीम आज बाकायदा केस कर रही है।